आज सुबह मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक बुलिश काउंट डाला जो हमारा अल्टरनेट काउंट है, और एक्चुअली आज इस वीडियो में बात करेंगे कि उसका रीज़न क्या था और मैंने वो पोस्ट क्यों डाला। तो गाइस, जैसे कि हमने कल आपके साथ लाइव आया तो वहाँ पर मैंने कोशिश की थी कि यहाँ पर ये जो इस फेज़ में जो हमारे को यहाँ पे काउंटिंग दिख रही थी, कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करेक्शन थी, तो ये हमारे को आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी। तो मैंने रात को उसके ऊपर होमवर्क किया, काम किया, उसको डेली के टाइम फ्रेम पे, वीकली के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने की कोशिश करी कि यहाँ पे हमारे को आने वाले टाइम में कौन सा मूव देखने को मिल सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आज आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न था वो आज आपके सामने इस वीडियो में बात करूँगा, ताकि आपको उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो, ताकि आप आने वाले टाइम में आपको उससे हेल्प मिल सके अगर हमारे को ऐसा कुछ काउंट मिलता है तो, ताकि हमारे से ये जो मूव है ये हमारे से मिस ना हो। तो सारी चीज़ आज डिटेल में एनालिसिस करेंगे, निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के अंदर भी, दोनों के अंदर मैंने वीकली के ऊपर भी एनालिसिस करके देख ली। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे को जो काउंट्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको मैं साथ के साथ बता चलूँगा यहाँ पर हमारे को किस टाइप के हमारे को मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल पहले बात कर रहे थे गाइस निफ्टी के ऊपर, क्योंकि जो मैंने काउंट डाला था तो वो काउंट जो है वो किस तरीके से था मैं आपको वो बता देता हूँ। इसको लेकर चलते हैं गाइस वन आवर के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो मोमेंटम आ रहा था, यहाँ से जो नीचे की तरफ आ रहे थे, यहाँ पर हमारे को जो है कहीं ना कहीं काउंट क्लियर नहीं था ना। जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ से हमारा ये अगर वन है, टू है, और ये कहीं ना कहीं थ्री है, ये देन फोर है, और देन कहीं ना कहीं यहाँ फाइव है। फाइव के अंदर हमारे को तीन सबॉर्डिनेट नहीं मिल सकते। अगर यहाँ पे हमारा फोर है और ये हमारा फाइव है, देन यहाँ पे हमारे को ये ए वेव है, और कहीं ना कहीं ये ए बी सी के फॉर्म में ये बी के लिए नीचे आई है, और यहाँ पे ये सी के लिए ऊपर जा रही है, और देन हमारे को यहाँ पे एक डाउन साइड का विजन है हमारा जो नीचे की तरफ आ सकता है। अब इसके अंदर गाइस कुछ ना कुछ एक जो मेरे को फेज़ समझ आया, जो मेरे को यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं है, वो क्या चीज़ है थोड़ा आपको इसके अंदर सीखने को भी मिलने वाला है, क्योंकि लाइव मार्केट में जब मार्केट के अंदर मोमेंटम कर रहा है और अगर हम उसको नहीं पहचान पा रहे तो गाइस कहीं ना कहीं हमारे को वो प्रॉब्लम बाद में आने वाले टाइम में क्रिएट कर लेता है। अगर हमारे को उसका थोड़ा सा पहले ही पता लग जाए तो गाइस वो हमारे को काफ़ी हद तक एक बेनिफिशियल होता है हमारे लिए एक सही टाइम पे एंट्री करना। ऐसा नहीं गाइस कि अगर हमने कल बात करी है तो हम उसी काउंट के ऊपर ही वैलिड रहेंगे, एक पत्थर की लकीर है, तो ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट के अंदर जब मतलब मोमेंटम चलता चला जाता तो वहां पर हमारे को अपने उसके अकॉर्डिंगली जो मार्किंग है उसको भी मेंटेन करना था, क्योंकि अभी स्टिल कहीं ना कहीं पैटर्न एक अपना आप में फॉर्म हो रहा है। तो जैसे जैसे मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगी तो इंट्राडे में जैसे हमारे को पोजीशन देखने को मिलती है उस टाइप से हम उसके साथ साथ काम करते चलते, कि ऐसा ना हो कि एक हम किसी और चीज को प्रेडिक्ट करें और मार्केट कुछ और काम कर जाए तो जिससे हमारे को लॉस भी देखने को मिल सकता है, तो वो चीज को अवॉइड करते हुए तो इसका अल्टरनेट काउंट है जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और उसको थोड़ा डिटेल से पहले इसका लॉजिक को समझते हैं कि ताकि इस चीज के ऊपर मैं अभी इतना सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूं, मैं आपको वो भी बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि यहां पे हमारे को क्या ऑप्शन मिल सकती है। जैसे ही गाइस अगर हमारा कोई भी पैटर्न चल के जब ऊपर की तरफ जाता है और वहां पे हमारा यहां पे ए वेव आती है, देन बी वेव आती है, और सी वेव के लिए वो नीचे आता है। जो सी वेव के लिए नीचे आता है गाइस वो हमारा जो क्राइटेरिया रहता है वो ए वेव के लगभग यहाँ तक इसके इतना नीचे आना इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, इतना इसके अंदर मैंडेटरी रहता है कि यहाँ पे इसको आना चाहिए। बट अगर जिस टाइम पे वो नहीं आता, कहीं ना कहीं इतना ऊपर भी रह जाता, तो कोई एक बुलिश हमारे को न्यूज़ देखने को मिलती है जो कि हमारा सी फेलियर करने के बाद मार्केट एक अपना में ऊपर की तरफ मोमेंटम ले जाती है, तो जो अपना में बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड का हमारे को देखने को मिलता है ड्यू टू सी वेव फेलियर। सिमिलरली अगर हमारे को मूव नीचे की तरफ मिल रही है और उसके अंदर भी हमारा जो ए वेव है वो हमारा अपसाइड की तरफ जा रहा है और बी वेव हमारी डाउन साइड के लिए आ रही है, क्योंकि बी वेव में तीन सबॉर्डिनेट देखने को मिलते हैं जैसे हमारे को यहाँ पे देखने को मिल भी रहे हैं, जो हमारे को थोड़ा सा ये डाउन साइड की मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सी वेव गाइस जो है वो ए वेव के आसपास तक लगभग आनी चाहिए, इससे ऊपर तकरीबन कहीं ना कहीं नहीं जानी चाहिए। जैसे हमने कल बात करी 62% 78% उसको लेकर के मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि जब भी हमारा बी वेव अगर हमारा स्ट्रांग बनता है तो उस केस में हमारे को सी वेव हमारे को इतना ज़्यादा नीचे जाने को नहीं मिलता, कहीं ना कहीं इररेगुलर करेक्शन देखने को मिलती है जो तकरीबन कहीं ना कहीं ए वेव के आसपास तक आती है। तभी आप देखेंगे दो तीन वीडियो से मैं आपको यही कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हम ऊपर आने की जो हमारे जो सेटिस्फेक्शन जो हमारे को मिलेगी वो यहीं पर मिलेगी, कि यहाँ पर जब तक अगर आता है इस एरिया में तो डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलता है, फिर तो हम उसको वैलिड मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सी वेव है वो कहीं ना कहीं ए वेव के लगभग आती है जब हमारी वहाँ पे इररेगुलर करेक्शन देखने को मिलती है। बट अगर हमारा वहाँ पे जो सी वेव है अगर वो 78% या 62% तक आता है और इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाता है, तो वो हमारा एक तरीके से वो हमारा वैलिडेशन नहीं रहती, क्योंकि जिस केस में हमारे को बी वेव स्ट्रांग है या बी वेव वीक है तो उसके कारण हमारे को जो सी वेव है उसके अंदर भी ज़्यादा एलोंगेशन देखने को नहीं मिलेगी, ज़्यादा लंबी देखने को नहीं मिलती। बट अगर जैसे कि हमने यहाँ पे बात कर रहे थे अगर मोमेंटम यहाँ से सी वेव का अगर इन केस यहाँ तक चला जाता तो वो कहीं ना कहीं हमारे को जो मैंने आपसे बात करी थी उसके अंदर मेरे को जो फील था जो मेरे को सेटिस्फेक्शन थी वो कहीं ना कहीं मेरे को नहीं आ रही थी, जिसके ऊपर मैंने रात को बैठ करके इसके ऊपर एनालिसिस करी, डेली के ऊपर भी करी, वीकली के ऊपर भी किया, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के एनालिसिस करके इसके ऊपर मैंने रिजल्ट निकालने की कोशिश करी कि अगर बाई चांस हमारे को यहाँ से एक नया मोमेंटम देखने को मिलता है उस केस में जो ये वाला मूव हमारा जो यहाँ पर हमारे को ड्यू टू गैप डाउन के हमारे को यहाँ पे वेव्स क्लियर नहीं है, ड्यू टू यहाँ पे आप देख रहे हो जिस तरीके से हमारे को ये
इसके अंदर वेव ये ऊपर आ रही है, फिर इसके अंदर वेव हमारी यहाँ मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पर बहुत अच्छा खासा कोई हमारे को लास्ट मोमेंटम में एबीसी के अकॉर्डिंगली वो इंपल्सिव काउंट नहीं मिल रहा। जैसे अगर बात करो, अगर ये मेरा ए है तो ये मेरा बी है, तो सी वेव के लिए हमारे को इंपल्सिव मूव मिलना चाहिए। और जैसे मैंने बात करी थी, अगर मेरा ये वन है तो यहाँ पर हमारा टू है, तो थ्री वेव या फोर बाय फाइव के लिए हमारे को अच्छा काउंट मिलना चाहिए। बट अगर यहाँ पर हमारा कोई एबीसी के फॉर्म में ये डब्ल्यू देन एक्स और देन वाई मिलता है, तो उस कैटेगरी में कहीं ना कहीं हम पोजीशन ऊपर की जाता हो देख सकते हैं, और जो कि हमारा इस वाले लेवल से भी ऊपर जाना हमारे को मिल देखने को मिल सकता है। अब एक्चुअल में इसका रीज़न ये है कि मैंने आपके साथ शेयर क्यों किया, जो बेसिकली पहुँचता मैं आपको इसको बाद में भी हम बात कर सकते, पर इसको मेरे को आपको शेयर करने का जो मेरा मेन रीज़न था वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके मन में ये ना हो कि यहाँ से हमारे को डाउन साइड ही मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आने के बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं बंदा बायस हो जाता है, हम भी कहीं ना कहीं बायस हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है यहाँ से, नहीं तो यहाँ से हम शॉट मारेंगे, कोई कहता है यहाँ से नहीं तो यहाँ शॉट मारेंगे, जो हम पहले बात करते आए हैं ना। क्योंकि स्टिल अगर मैं बात करूं भी, जो हमारी 12 अक्टूबर आज की डेट है, उस टाइम तक भी मार्केट के अंदर अभी यहाँ पे हमारे को 1, 2, 3, 4 अभी हमारा सॉरी 3 पोजीशन ही मिली है, तो ये अपना में करेक्टिव है। बट अगर हमारा डब्ल्यू एक्स वाई है और यहाँ पे के ऊपर जा रहा है, तो उसका भी 3 मूव का कोई बेनिफिट नहीं है। और अगर हमारा यहाँ पर इन केस अगर ये हमारा ए है और ये बी और ये सी के लिए जा रहा है, तब भी हमारे को 500 चाहिए, तो अभी हमारा 1 लेग ऊपर की बैलेंस है। ये तो हमने कल खैर बात की हुई थी, बट वो लेग अगर हमारे को थोड़ी सी तेज़ मिल जाती है, थोड़ी सी अच्छी खासी मिल जाती है, तो गाइस वो लेकर आ जाएगी हमारे को एक तकरीबन वहीं पे 62 के रिट्रेसमेंट की रेंज के आसपास। अगर वो हो जाता है, जिसके कारण मैंने आज आपके साथ ये मैंने जो वेव काउंट आपके साथ मैंने शेयर किया है, अगर वो 62-78 के आसपास तक पहुंच जाता है, तो गाइस वो कहीं ना कहीं हमारा बी वेव के लिए, जो हमारा जो सी वेव आ रही है, करेक्टिव आ रही है, वो पॉसिबल उसकी शायद ना हो, मे बी वहाँ पे हमारा डब्ल्यू एक्स वाई करके एक नया मोमेंटम शुरू होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे जिस तरीके से हम बात करते हैं, अगर ये हमारी ए है, ये बी और ये सी के लिए जा रहा है, तो गाइस सी के लिए इतना ऊपर नहीं आता, या तो हमारा कल ही गैप डाउन मिल जाए और मार्केट अपनी करेक्शन करनी स्टार्ट करते, फिर तो ठीक है हमारा यहाँ तक आने का एकदम बिल्कुल परफेक्ट काउंट है। यहाँ तक हमारा ए बी और सी के बिल्कुल पास तक आ चुका है, ये हमारी सारी जो कैटेगरीज हैं, जो सारी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर रहा है, कोई इशू नहीं। यहाँ से अगर रिवर्सल होता फिर तो ठीक है, अगर कल हमारे को कोई मोमेंटम मिल जाता है किसी भी रीज़न से, या तो हमारा गैप अप मिलते ही मार्केट नीचे चली जाए तो समझ आती है, या हमारे को अगर 62 के रेंज में मिलता है, तो गाइस वहाँ पर हमारे को सोचने समझने वाली बात है, फिर हमारा ये एबीसी का काउंट नहीं होगा, फिर हमारा उसको फोर्सफुली गाइस उसको हमारे को डब्ल्यू एक्स वाई रखना पड़ेगा, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको 1, 2, 3, 4, 5 के कैटेगरी में करते हुए चलेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, देन यहाँ पे अभी थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ करते बदलेंगे, और जब हमारा ये फिफ्थ हमारी बन जाएगी, फिफ्थ हमारा हो जाएगा, अभी अंडर प्रोसेसिंग है, अब खेल होगा उसके बाद शुरू। वो कैसे, अब देखो अगर यहाँ तक आते हैं और हमारा ये अगर हमारा थर्ड, देन ये फोर्थ और ये फिफ्थ कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ और मार्केट नीचे चलेगी, फिर तो चलो चैप्टर क्लोज है, बात ही खत्म हो गई, एबीसी बन गया हमारा, मार्केट हमारे नीचे जानी शुरू हुई। अगर हमारे डब्ल्यू एक्स वाई का काउंट हुआ और यहाँ से मार्को जो फर्स्ट वेव मिलती है, ठीक है, उसके बाद सेकंड वेव के लिए मार्केट नीचे की तरफ आएगी, और जब सेकंड वेव के लिए नीचे आएगी गाइस, वहां पर मार्केट अपने आप को होल्ड करेगी, कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप में करेक्शन करेगी, और जो मार्केट अपने आप में अपने एक करेक्शन के साथ रोक करके चलेगी हमारे को कि यहाँ पर संभाल लेगी मार्केट अपने आप को, तो वो सेकंड वेव का एक हमारे को एक इंटीमेशन मिलेगा कि यहाँ से मार्केट अपने आप को संभाल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो करेक्शन कर रही है ये हमारी सेकंड वेव ही इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर ये हमारी सेकंड वेव है, तो गाइस उसके बाद हम जो है थर्ड वेव के लिए पूरी आगे के लिए मोमेंटम हमारे को मिल जाएगी, देन फोर्थ, देन फिफ्थ के लिए हमारे को जो ऑल टाइम हाई पर जाएंगे हम, वो भी हमारे को प्रॉपर पैटर्न देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल जो भी कैटेगरी चल रही है, जो भी इस टाइम पे पैशन अपना पॉइंट जो भी पैटर्न बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो जीरो पॉइंट जो है यहाँ पे जो बी वेव है या सेकंड वेव है, इसके नीचे का स्टॉपलेस लगा कर चलेगा, ये ब्रेक हो जाता तो हम डाउनसाइड के लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे, और कहीं ना कहीं हम ये समझ लेंगे कि यहाँ से हमारा मोमेंटम शुरू हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो इस जो एबीसी की ये जो हमारी एबीसी की जगह जो हमारी डब्ल्यू एक्स वाई की मार्किंग है, इसको रखने का जो मेरा मेन रीज़न एक और भी गाइस, वो क्या है, क्योंकि जो हमारे को यहाँ पे गैप अप्स देखने को मिल रहे हैं, वो अपने आप में कोई ना कोई डायरेक्शन के अंदर मिलता है, एक अपनी तेजी के अंदर मिलता है गाइस। वहाँ पर मार्को सी वेव के अंदर मार्को इस टाइप के पैटर्न देखने को, इस टाइप के गैप अप देखने को नहीं मिलता, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप में बुलिश है, तो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे पास टाइम है, और ऐसा नहीं है गाइस कि 150 पॉइंट के चक्कर में कहीं ना कहीं अपना रैली छोड़ दें, ठीक है कोई बात नहीं। हमसे ये देखो पहली मूव तो कभी मिलती नहीं, पहली मूव तो मार्को पैटर्न कन्फर्मेशन मिलेगी, उसके बाद सेकंड में मार्को यहाँ पे हमारे को बाइंग करने के लिए मार्को यहाँ पे गैप अप मिल गया, और उसके बाद मार्को ये मोमेंटम आया। आज मार्केट के अंदर कोई खास काम होता नजर नहीं आया, कहीं ना कहीं मार्को यहाँ पे
कंसोलिडेशन ही देखने को मिली, एक साइडवेज मार्केट मिली है। तो कल हम देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, उसके बाद हमारा जब फर्स्ट वेव हो जाएगी सेकंड के लिए गाय मार्केट नीचे तरफ आएगी, वहां पर कोशिश करेंगे इसको ग्रैब करने के लिए, इसको पकड़ने के लिए, ताकि हमारे को थर्ड फोर्थ फिफ्थ की रैली देखने को मिले, या फिर हमारा यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। बट फिर भी आपको अल्टरनेट काउंट दिए कि ताकि अगर यहाँ पे कुछ हमारा चेंज होता पैटर्न, हमारा कोई बुलिश काउंट में चेंज होता, तो वो काउंट क्या होगा वो आप तक आपको पहुँचाने की मैंने कोशिश करी है, कि ऐसा ना हो कि हम उसको बुलिश तो चले जाए और आपको ये रहे कहीं ना कहीं। क्योंकि देखो जब तक हमारे को पिछले पैटर्न की कन्फर्मेशन नहीं मिलती, पिछले पैटर्न का एनालाइज हमारे को नहीं मिलती, पिछले पैटर्न का हमारे को काउंट नहीं मिलता परफेक्टली, तब तक हमारे को आगे चलते हो कहीं ना कहीं हमारे को एक डाउट रहता है। क्योंकि मेरे को इस तरीके से काम रहता है, अगर मेरे को पुराना का इस वाले पैटर्न की सेटिस्फाई नहीं है, फुलफिल नहीं है, तो गाइस मेरे को नेक्स्ट पैटर्न में काम करने में थोड़ा इशू आता है, क्योंकि मेरे को हर पैटर्न को एक प्रॉपर सिस्टम से मेरे को पता होना चाहिए, जो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और वो हमारे को कहीं ना कहीं पैटर्न को होल्ड करने की हमारे को पावर देता है, और ताकि हम उसको एक ट्रेड के साथ लेकर चलेंगे। तो गाइस कहीं ना कहीं हमारा डब्ल्यू एक्स वाई है जो मेरे को फोर्सफुली करना पड़ रहा है, बट जिस तरीके से हमारे यहाँ पे जो zigzag पैटर्न बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा इसके अंदर हमारे को इस टाइप का हमारे को रखने की इस टाइम पे हमारे को करना जरूरत पड़ रही है, जो मैंने आपके साथ सुबह मॉर्निंग में ही दे दिया। उसका रीज़न भी ये था, अगर हमारे को यहाँ पे कोई मोमेंटम मिलता तो गाइस आपको वो शायद उसके अंदर आपको हेल्प मिल जाती, कि ऐसा ना हो कि मार्केट ऊपर जा रही है और आप यही वेट कर रहे हो कि वहाँ पर शॉर्ट को बाय कर शॉर्ट कर रहे हो या वहाँ पे पुट बाय कर रहे हो। तो इस टाइप का काम नहीं करना जब तक हमारा ये वाला नीचे वाला स्टॉप लॉस नहीं ब्रेक हो जाता। बाकी जैसे जैसे मार्केट मोमेंटम आएगा आपके साथ जुड़ के चलेंगे। जो इसका अल्टरनेट काउंट है, जो एक बुलिश काउंट है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है और काफ़ी हद तक आपको डिटेल में भी समझा दिया। अगर इनकेस ऐसा मिलता है तो हमारा जो है बहुत अच्छा खासा आगे का एक ऑल टाइम होने को देखने को मिल सकता है। तो बात कर रहे थे गाइस बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी में भी क्या पोजीशन बन रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे को निफ्टी के अंदर यहाँ पे गैप अप्स मिल रहे हैं, उस तरीके से हमारे को बैंक निफ्टी इतना अच्छा खासा परफॉर्म होता हुआ नजर नहीं आया। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं वो हाला हमारे को इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है कि यहाँ पर हमारे को बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही हो। बट फिलहाल जैसे कि हमारी अगर निफ्टी ऊपर जाती है, निफ्टी तेजी में जाती है, तो अगर हमारा ये बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार से उसी सिस्टम से काम कर रहा है, तो हमारा जैसे मैंने आपसे ये वाला भी काउंट शेयर किया था, अगर ये हमारा ए वेव है और ये बी वेव है और ये सी वेव के लिए नीचे आ रहा है, तो ये जो नीचे की तरफ आ रहा है जिसके अंदर यहाँ पे हमारे को 1, then 2, then 3, then 4, then 5 जो सी वेव में हमारे को 5 सपोर्टेंट देखने को मिले हैं। बट यहाँ पे हालांकि हमारा बी वेव में हमारे को टाइम नहीं मिला, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे इस चीज़ को मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जब हमारा काउंट यहाँ पे डेली के अंदर जब ये बी वेव के लिए गए गाइस, तो सीधी सी बात है, क्लियर है हमारे को कि जब हमारा ये ए है यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे अगर ये हमारा ए वेव है, ये बी वेव है और ये सी वेव के लिए नीचे आ रहा है, तो वो कभी भी ए बी सी में नहीं आएगा, उसको 1, 2, 3, 4, 5 में ही नीचे आना है, क्योंकि सी वेव के अंदर हमारे को 5 सबॉर्डिनेट ही देखने को मिलता है, वहाँ पे हमारा अल्टरनेट काउंट हमारा करेक्टिव काउंट नहीं आता। तो जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा ए दैन ये बी और ये सी के फॉर्म में ऊपर जा रहा है। बट जब मैंने इसको वीकली के ऊपर एनालाइज किया और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट जो है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ये हमारा इस लेवल के जोन के अंदर आ चुका है, जो कि बड़े टाइम फ्रेम में आने के बाद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इशूज़ क्रिएट कर रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के एनालिसिस चाहते हो बैंक निफ्टी को लेकर के, निफ्टी को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए लॉन्ग टर्म की भी वीडियो बना दूंगा जो आपको अपडेट करेगी कि कौन सी ऐसे काउंट्स है जो हमारे को यहाँ पर एक आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं, शायद उससे आपको हेल्प मिल जाए। और आपके क्या व्यूज है गाइस वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको जो एनालिसिस पसंद आ रहा हो गाइस लाइक करना मत भूलें, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में जो भी अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस यहां पे इसके अंदर आने के बाद कहीं ना कहीं हमारा एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न जो है उसकी शुरुआत यहां से हो सकती है, क्योंकि ये जो इसके अंदर आया ये हमारा एक लॉन्ग टर्म के लिए जो पैटर्न बन रहा है वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे हमारा डेंजर जोन में आ चुका है, एक अपना कह सकते हो एक वार्निंग साइन में आ चुका है बैंक निफ्टी। अब ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक कुछ टॉपिंग करने के लिए ऊपर जा सकता है, जिसका अगर काउंट ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा ये फर्स्ट है, क्योंकि हमारा अगर एंडिंग डायगोनल बन रहा है जो लास्ट की मोमेंटम होता है, अगर वो टर्मिनल इंपल्स बन रहा है गाइस जिसको हम बोलते हैं, या एंडिंग डायगोनल बोलो दोनों एक ही चीज़ है, अगर वो बन रहा है तो उस केस में ये सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ देन फिफ्थ के अकॉर्डिंगली जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे को जो है 3-3 सबॉर्डिनेट के पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा गाइस ये हमारा जो है ये काउंट हमारा वही रहेगा जो हमारा इस तरीके से ये नीचे की तरफ हमारा ए देन बी देन सी के लिए नीचे की तरफ आ रहा है। बट अगर यहाँ से हमारे को अपसाइड का मोमेंटम मिलता है उसके लिए हम क्या करेंगे वो भी बात कर लेते हैं। 1 आवर के चार्ट के ऊपर चलते हैं गाइस, हमारे एकदम बिल्कुल बॉटम पे हम ऑलरेडी हैं ही हैं, तो ये वाला हमारा इसका स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। अगर हमारे को इससे नीचे मार्केट मिलती है तो गाइस थोड़ा सा जरूर दूर जरूर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे गैप अप्स देखने को मिले हैं, तेजी भी देखने को मिली है, तो अगर इसके नीचे आता तो कहीं ना कहीं हम वही डाउन साइड के लिए जाना शुरू हो जाएंगे, और नहीं तो अगर अपसाइड की तरफ जाता तो हमारे को यहाँ पे बाय करके
इसको हम यहाँ पे ऊपर की तरफ लेके चलेंगे ताकि हमारे को आने वाले टाइम में जो अपसेट का जाएगा मोमेंटम हम उसको कैप्चर कर सके। बट गाइस कहीं ना कहीं जो बैंक निफ्टी है वो अपने वीकली टाइम फ्रेम पे अपने पैटर्न को गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर हमारे को एंडिंग डायगोनल की शुरुआत हमारे को होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि उसका रीजन यही है जो मैंने आपको बताया कि इस लेवल के अंदर मार्केट को नहीं आना चाहिए था इन एनी कॉस्ट। अगर आप बात करें निफ्टी की, वो अभी तक नहीं आई है, वो बची हुई है। और अभी बैंक निफ्टी हमारा उसके अंदर आ चुका जो कि कहीं ना कहीं शुरुआत कर रहा है हमारी एक तरीके से अपसाइड की एक एंडिंग डायगोनल को लेकर के। एक चीज और गाइस, जब मैंने इसको थोड़ा डीपली स्टडी करी है तो यहाँ पर मैंने जैसे हम बात कर रहे थे कि ये ए वेव के लिए नीचे आ रहा है, जैसे कि मैं काफी टाइम के आपके साथ मैं बात करता आ रहा था कि यहाँ पे हमारे को ए वेव है, देन बी वेव है और ये सी वेव के लिए नीचे आ रही है कि यहाँ पे हमारा इस तरीके से यहाँ पे सी वेव के अंदर हमारा 1, then 2, then 3, then 4, then 5 इस तरीके से बनता हुआ हमारा ए बी सी के फॉर्म में नीचे आ रहा है, जो कि हायर डिग्री की यहाँ पे ए वेव बना रहा है और इसी टाइम फ्रेम की ये बी वेव बना रहा है ना। तो मे बी गाइस एक इसकी पॉसिबिलिटी इसी के अंदर ही है। अगर मैं बात करूँ ये ए वेव नहीं होकर के अगर यहाँ पे हमारी ये करेक्शन ही खत्म कर रहा है, जो कि ये हमारी प्रॉपर अपने आप में एक ए बी सी के फॉर्म में ही यहाँ पे हमारी करेक्शन करता कम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसा आप जानते हैं यहाँ पे अगर हमारा एक मूव मिला है उसकी करेक्शन जो होती है वो हमारी ए बी सी के फॉर्म में होती है। अगर यहाँ से हमारी ए बी सी की फॉर्म वाली करेक्शन खत्म हो चुकी है जिसका नया मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है, उस केस में ये हमारा 3 सब 100 के साथ पहली डिग्री हमारी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, सेकंड हमारी ये खत्म हो जाएगी, थर्ड हमारी यहाँ पे ये खत्म हो जाएगी और इस तरीके से हमारा चलता चलेंगे। और अगर ये हमारा इस तरीके से गया काउंट और ये हमारा क्लियर है गाइस कि यहाँ पे हमारे को 3 सब 100 ही देखने को मिल रहे हैं जिसके काउंट आप यहाँ पे मार्किंग करके चल सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है ये ए बी सी के फॉर्म में यहाँ पे ए देन बी और सी के फॉर्म में जा रहा है, जो अपना हमें क्लियर कट हमारा एंडिंग डायगोनल के अंदर हमारे को ये देखने को मिलता है। अब इसके अंदर गाइस एक चीज मैं और ऐड ऑन कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ से अगर हमारा शुरू हो रहा है, अगर यहाँ पे इन केस यहाँ पे नीचे तरफ आता हमारे को डाउन साइड शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल आपके सामने मैंने अल्टरनेट काउंट भी आपके डिस्कस कर दिया, प्रेफर्ड काउंट भी डिस्कस कर दिया। तो जैसे जैसे इंट्राडे में चलता चलेगा आप उस तरीके से इसके ऊपर काम करते चलें, देखते चलें। ये जस्ट एक अपना आपको एक हेल्पिंग तौर पर वीडियो बना रहा हूँ, और अगर आप इसको प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आप खुद से एनालिसिस करना चाहते हैं कि ताकि इंट्राडे में आपको किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े और आप खुद से एक्शन ले सकें, तो गाइस हमारा नेक्स्ट मंथ में जो कोर्स स्टार्ट होने वाला आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके एनरोलमेंट में बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाला, और फिलहाल ये वाला बैच तो हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो नेक्स्ट बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।